उसको, मैं लद्दाख कहता हूँ भाई, रोड ही ऐसे हो रहे हैं यहाँ से। गाड़ी की हालत देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये भाई चंद्रविहार है, क्या कहते हैं इसको, मैं तो इसको मेरी लद्दाख कहता हूँ भाई, रोड ही ऐसे हो रहे हैं यहाँ के। तो जिसको रोडिंग के मज़े लेना चंद्रविहार आ जाए, पूरे मज़े मिलेंगे गड्ढों के साथ, कीचड़ के साथ, हर किसी के साथ। मतलब ऐसा है कि यहाँ का तो भाई 2 साल हो गए रोड को ऐसे ही पड़े हुए। अच्छा खासा रोड था, थोड़ा सीवर डाले, मतलब सीवर डालने में बहुत टाइम लगा था। चलो सीवर डाल दिए, डालने के बाद दोबारा भाई रोड तो बना देते भाई, आज तक नहीं बनाया। 2 बरसातें निकल चुकी हैं ऐसे ही, और इनकी हालत बरसातों में और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। ये तो बस यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्हीं के बस की बात है भाई, कैसे झेलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है। देख लो कल बारिश हुई है हल्की सी, और ये कल का पानी नहीं है, ये 2 दिन पहले का बारिश पानी है जो बारिश हुई थी। और बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है यार, कोई कहीं अंदर गया तो बिल्कुल, या गलियों के तो हद से ज़्यादा ख़राब है। बरसात में ऐसा हो जाता है भाई कि बस छाई छपा छाई छपा के छाई, पैर पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं बचती है भाई, आने से लगाते हैं। और ये रोड ऊपर का ठीक है, ये नाले वाला रोड है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। बस थोड़ा सा जो अंदर जाना होता है, हमें तो थोड़ा सा ही अंदर जाना होता है, बाकियों को तो बहुत बहुत जाना होता है। तो भाई अंदर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब जाती है। अब ऐसा ही बरसात आ रही है तो रोड इनको बना देने चाहिए, बट नहीं बनाए। चलो कोई बात नहीं, सरकार है अपने हिसाब से काम करती है, कहीं कहीं पर डबल रोड ही बना देती है, बने हुए रोडों को बना देती है। ओह माय गॉड, बजाज क्यूट, क्विट क्या है इसका नाम, क्यूट, सही है छोटी सी भाई। ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी आने वाले टाइम पे, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से रोडों पर रश हो रहा है। वो CRPF कैंप वाला जो रोड है उस पर देखो कितना जाम लगा हुआ होता है। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पर इतना जाम लगा हुआ था, मैं अभी आ रहा था तो क्या होगा ट्रैफिक का। तो गाड़ी की हालत देखो, ये सब बैरिकेडिंग हुई हुई थी। आज लॉकडाउन का फर्स्ट डे है, ओपन हो गया सब कुछ, देखते हैं भाई क्या क्या खुला हुआ है। वैसे तो रोड पर पूरी चहल पहल है, हमने सोचा हम भी एक ब्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर कि भाई क्या क्या खुल गया और क्या क्या बंद है मार्केट में। अभी आप देखो, ये देखो सब रोड तो पूरे अब व्यस्त हो गए हैं। ये देखो भाई, ये जो रोड है भाई, ये पहले बंद था, अभी इन्होंने खोल दिया है। इसके खोलने की वजह से यहाँ जाम लगने के अब चांसेस दोबारा बढ़ गए हैं। ये तो चंद्रविहार वाले जानते ही हैं, जो चंद्रविहार वाले भाई वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि नाले पे कितना जाम लगता था जब ये बीच वाला रोड खुला हुआ था। अब तो फिलहाल बंद कर रखा था लॉकडाउन की वजह से, पिछले साल से बंद था, बीच बीच में खुला था, थोड़ा बहुत जाम लगा भी था, बट फिर खोल रहे हैं तो खोलने की वजह से जाम लग जाता है जब दोनों तरफ से खुल जाता है। अभी तो एक सिंगल तरफ से खुला हुआ है। बसें बुसे भी तैयार हो रही हैं भाई, अब तो जाने के लिए दिल्ली से बाहर। बस ट्रैफिक ना मिले आगे कोने पे, क्योंकि कोने पे DMRC का काम चल रहा है और जिसकी वजह से जाम लग रहा है, और बहुत बहुत लग रहा है जाम, क्योंकि वहाँ पर नैरो रोड है और इधर से आने वाले, मेन रोड से आने वाले और इधर से जाने वाले दोनों एक जगह पर मिलते हैं। खुल गया भाई, अभी बहुत तकला जाम लग रहा था यहाँ पर, अब खुला हुआ है ऑलमोस्ट, हम भी निकल सकते हैं। ओह पूरा साफ है, ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, ट्रैफिक वालों ने खुलवाया है, पहले बंद था यहाँ पर। ये सारा इसकी वजह से जाम लग रहा है आजकल। अब ट्रैफिक जब ओपन हुआ है लॉकडाउन खुलने की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक भी बढ़ेगा ही, लोग इधर उधर जाएंगे ही, उस वजह से ज़्यादा लग रहा था जाम।
हालांकि अब खुल गया है, बेटर हो गया पहले से। जब स्टार्टिंग में कोरोना वायरस का लॉकडाउन दिल्ली में लगा था तब तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरे रोडों पर भाई सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं दिखता था क्योंकि माहौल ऐसा था। एक दो बार मैं भी हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल में तो भाई क्या ही बताएं, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था भाई। हमको सारों को तो जगह भी नहीं मिली थी। तो भाई अब तो केसेस कम हो गए हैं दिल्ली के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे तो लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। बेटर भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजीविका ख़त्म सी हो गई थी। ये गेट तो बंद है भाई, लोग गेट खोलने के लिए राज़ी नहीं है, पता नहीं क्यों। ये तो कोई वाला भाई इधर वाला गेट खुला रखते हैं। मार्केट्स ओपन हो गई है तो वैसे भी बुक्स की दुकानें ये तो खुली भी रहती हैं हमेशा ही। शॉप्स तो काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। आज फर्स्ट डे है तो मे भी थोड़ा काम हो, कल से और ओपन हो जाएगा पूरा। बहुत सारे लोग आज ना भी खोलें तो बहुत सारे लोग खोल भी लेंगे अपने कामों को। तिलक नगर में तो भीड़ दिख रही है भाई। पुस्तकों की खुली हुई हैं, वैसे पुस्तक और क्या कहते हैं बुक्स की, और मैं भी पुस्तक बोल रहा हूँ, वैसे पुस्तक भी अच्छा लगता है बोलने में। तो बुक्स और जो केमिस्ट की शॉप्स थी ये तो ऑलवेज ओपन ही थी लॉकडाउन में भी। जो बंद हुई थी वो मेन है जो आपकी मार्केट है, मार्केट बंद हो गई थी, ये शॉप्स बंद थी, फिर हमारी ये सारे सामने बंद थी, ये अब सारी खुली हैं। जब खुलने के ऑर्डर आ गए हैं सुबह 10 से रात के 8 बजे तक, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस। 7 hours later तो भाई मार्केट तो सारी खुली हुई है ऑलमोस्ट। इस तरफ के पटरी पे जो लगाते थे ठीक है साइड में, वो नहीं लगे हुए, बाकी सारी शॉप्स तो ओपन ही है। तो लगने का मार्केट, इनफैक्ट पीछे की पूरी मार्केट ओपन ही है, मार्केट क्लोज नहीं है, मार्केट ओपन हो गई है सारी इधर की। तो ठीक है यार, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना पहले तो ऐसा लगता था सन्नाटा पसरा हुआ पूरे उसमें। अब तो फिर भी थोड़ी गर्मी है, लोग चल रहे हैं निकल रहे हैं। ऐसे में क्या है, लोगों को एक दूसरे को देख करके थोड़ी हिम्मत भी आती है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, ज़बरदस्त गर्मी चल रही है। फोर्टी 41 42 टेम्परेचर चला जाता है, देखो तो बहुत गर्मी थी। 6 बज गए हैं, 6:15 और गर्मी कम नहीं हो रही है भाई, उमस के साथ हो रही है तगड़ी वाली। जब तक बरसात नहीं होगी तब तक तो ये ठीक भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है ऐसी रहेगी। बरसात में पसीने वाली होती है वो तो और ख़तरनाक होती है। कहाँ जा रहे हो तुम? इसमें तू बहन जिसके चला ले, उसमें दिखा देना वीडियो में। हाँ क्या, बड़ा बस सही लग गया। यहाँ पर कैमरा लगा दो, कैमरा नहीं इसके अंदर स्केच चलते ना। हाँ वो खराब हो जाएंगे, यहाँ गंदगी बहुत है ना, वो तो साफ रहो। हाँ वीडियो बन के तो स्केच लाने पड़ेंगे, वो मिलते नहीं है, टायर पैन होते हैं, वो टायर पैन होते हैं ना, वो मंगवाने मिल जाएंगे। मिल तो सब जाता है, लगा देंगे किसी दिन, किसी दिन नया टायर लेंगे उस पर भरेंगे। हाँ 100-200 रुपये से ज़्यादा क्या होंगे, फिर चला के एक वीडियो बना के बाद रख देंगे, खराब तो होने ही है उसके बाद। चलो आओ फिर मिलते हैं। चलो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें।